गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे, आप लोग के घर परिवार के लोग भी अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ज़्यादा क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए। और कई लोग का कहना था कि सर जो है एनईपी क्या है क्या नहीं है, कई लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। थंबनेल पे आप लोग को ऑलरेडी पता चल रहा होगा कि एनईपी क्या है वास्तव में। मेरे भाई नेशनल जो है आप लोग का एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आप लोग को 2020 में आई थी मेरे भाई, 2022 में आप लोग को पूरी तरह लागू हो चुकी है, अभी जल्द से जल्द लागू हुई है। तो क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, जैसे कि आपकी बार जो है BA BSc जैसे हम लोग का एग्ज़ाम भी हो रहा है यूनिवर्सिटी से, जो चीज़ें यूनिवर्सिटी जो है NEP लागू कर चुकी हैं, लेकिन जो है अभी कई जगह नहीं पहुँच पाए हैं, जैसे गाँव में कॉलेजेस हैं और कई जगह। तो अभी बार ज़रूर लागू हो जाएगा 2022 में, पूरी तरह हर एक जगह जो है आप लोग को लागू हो जाएगा। अप्रैल से नया सत्र चल रहा है, वहाँ से लागू नहीं, जुलाई से आप लोग को पूरी तरह लागू हो जाएगा। तो NEP क्या है क्या नहीं, NEP के बारे में हम लोग जानेंगे और वास्तव में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं आप लोग को फुल डिस्कस करेंगे विदाउट स्किप। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोग सब्सक्राइबर हैं पहले से तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो इसके बारे में बहुत से चेंजेस हुई हैं, बहुत से बदलाव हुए हैं और बहुत अच्छा भी मुझे लग रहा है। जैसे अकॉर्डिंग है कुछ चीज़ें हैं थोड़ा बहुत मिस्टेक, लेकिन कुछ नहीं है मेरे भाई, अच्छा भी लग रहा है, बढ़िया भी लग रहा है। NEP वास्तव में आना ही चाहिए, न्यू जो है एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा है मेरे भाई, बहुत। मतलब मैं पढ़ा उसके बारे में जाना तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि यार चीज़ें कोई चॉइस के हिसाब से आओगी होगी यार, बहुत दिनों बाद ये बदलाव हुआ है और बहुत दिनों बाद मेरे भाई। जैसे कि आप लोग को पहली बार जो है ये जो है 1968 में इसकी जो है बदलाव हुई थी, और अब जो है मेरे भाई दूसरी बार आप लोग का 1986 से लेकर के 1992 तक हुई थी। 1986 में हुई थी, फिर 92 में हुई थी, थोड़ा बहुत चेंजेस हुई थी। अब 2020 में दोस्तों ये चेंजेस हो रही है, मान लीजिए आप लोग का 92-8 वो हो गया 20, मतलब 28 साल बाद आप लोग को चेंजेस जो 28-2 30 आप लोग का 22 आ चुका, तो 30 करीबन साल बाद जो है आप लोग को चेंजेस के अकॉर्डिंग मिल रही है कि एजुकेशन की पॉलिसी में चेंजेस हो रही हैं और क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, इसके बारे में हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। तो विदाउट स्किप हुई है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो एजुकेशन चैनल ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल ग्रुप में, हर एक जगह शेयर करिए। आप लोग को मैं इतने बढ़िया से मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे भाई, जैसा कि यूट्यूब पर मिलेगा, कई लोग बताए हैं, कई सारे लोग बताए हैं, जैसे बहुत लोग बताए, लेकिन मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। जो लोग मुझे जान रहे हैं तो वो लोग जान रहे हैं, नहीं जान रहे तो आप लोग को जानने की कोशिश करना ही चाहिए मैं क्या हूँ मेरे भाई। बाकी हर एक चीज़ का अपडेट तो देता रहता हूँ, बाकी आप लोग को पढ़ाता भी हूँ, अभी जल्द आज न्यू हूँ, लेकिन जो है दोस्तों बढ़िया ही परफॉर्मेंस हो रहा है, लोगों की मेहनत, हमारी मेहनत लोगों को पसंद आ रही है और अच्छा लग रहा है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट एग्जाम में भी आज आ रहे हैं क्वेश्चन, वहाँ से बन रहे हैं, तो लोगों को जो है मेरे ऊपर भरोसा भी होने लगा। तो मेरे भाई उन लोग को मेरे तरफ से धन्यवाद और थैंक यू हाथ जोड़ कर भी। आप लोग को जो है तहे दिल से आप लोग का इस वीडियो में भी स्वागत है और हर एक जगह स्वागत रहेगा आपका, जो है भविष्य उज्ज्वल हो। वैसे है मेरे भाई भविष्य, जैसे कहते हैं कि आप लोग जज्बा रखो यार, हिम्मत रखो और हौसले रखो, कभी जो है ज़िंदगी में कोई काम जो है इम्पॉसिबल नहीं होता। कहा गया लाइफ इज जो है लाइफ इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल, लाइफ जो है मेरी हार्ड है मेरे भाई, कठिन परिश्रम है लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है मेरे भाई, पॉसिबल हर एक चीज़ है। तो चलिए अब हम लोग NEP के बारे में जानेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है मेरे भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लिखना ज़रूरी नहीं है आप जान जाइए, जैसे हम लोग इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, नहीं तो आप लोग नई शिक्षा नीति कहते हैं। बोर्ड पे बताने वाला था मेरे भाई, लेकिन बोर्ड पे थोड़ा नहीं आ पाया, कुछ प्रॉब्लम थी। नई शिक्षा नीति ये क्या है क्या नहीं है, NEP हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दोस्तों इसे कहते हैं, 2020 में ये कानून पारित हुआ। और इसका ये कानून कैसे पारित हुआ है, तो इसकी अध्यक्षता मेरे भाई आप लोग के कस्तूरी रंजन, जो कि इसरो के जो है साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में ये जो है इसकी इस कमेटी का गठन हुआ और उसके वो अध्यक्ष भी रहे जो है मेरे भाई। तो ये चीज़ें हुई आप लोग के अध्यक्षता उन्हीं की थी, तो वो बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, तो जान रहे हैं आप लोग एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ें चलेगी और कोई भी चीज़ का गठन होगा तो कितना अच्छा होगा मेरे भाई, क्योंकि साइंटिस्ट ही हमारे देश में महान है और सब लोग महान है, लेकिन साइंटिस्ट एक रहता है कि हर चीज़ें की खोज, जैसे मोबाइल का खोज या कोई चीज़ का खोज जो है एक साइंटिस्ट के ही तरीके से होती है कि क्या चीज़ें क्या नहीं है। आप लोग इंजीनियर्स हुए हैं या साइंटिस्ट, उसी के अकॉर्डिंग होती है ये चीज़ें, और भी कोई चीज़ का खोज करना हो तो साइंटिस्ट ही करते हैं मेरे भाई। साइंटिस्ट कहीं ना कहीं हमारे जो है माइंड को जो है परख लेते हैं कि क्या चीज़ बच्चों को ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, तो वो इतना ज़्यादा पढ़े रहते हैं यार, अच्छा लगता है यार, रिसर्च करके वहाँ तक पहुँचते हैं, बहुत मेहनत करके पहुँचते हैं। तो उनको मेरी तरफ से धन्यवाद और थैंक यू उनको जो है, और जो है UP के गवर्नमेंट को भी पूरी तरह थैंक यू कि इस पॉलिसी को लाई और इस पॉलिसी के बारे में जानकारी दी।
तो चलिए, पहली बार मेरे भाई आप लोग को बता दिया हूँ कि जो है आप लोग 1968 में लागू हुई, इसके बाद आप लोग का 1986 में लागू हुआ, फिर 1992 में थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो बदलाव हुआ, इसके बाद 2020 में सीधे लागू हुआ, और 2020 में लागू नहीं हुआ जो है ये कानून पारित हुआ, और जो है अब जो है 2022 में पूरी तरह इसको लागू कर दिया गया है। अब की बार जो है जुलाई से हर एक चीज़ें लागू हो जाएंगी। तो क्या है इसमें जो है मेरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जैसे कि पहले जो है MHRD जो है करके जो है मिनिस्ट्री का नाम था, लेकिन आप लोग को ये इसका नाम चेंज कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। और मेरे भाई इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि ये मेरे भाई ये आप लोग का जो ऐसे कि आप लोग का 5+3, जैसे आप लोग को मैं बता दूं मेरे भाई, आप लोग को बता दूं 5+3 प्लस मेरे भाई आप लोग का 3+4, ये वास्तव में क्या है तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये वास्तव में क्या है। कई जगह ये छोड़ देख देख करके लोग क्या चीज़ें बता रहे हैं क्या नहीं, तो जैसा कि मैं मेरे भाई आपको बता दूं, पहले आप लोग को 10+2 होता था, अब आपको इस बेस पे चलना है, 10+2 आप लोग का ख़त्म हो चुका है, इसे आप लोग को डिवाइड कर इसको काट देना, लेकिन आपको इसी पे चलना है, इसी पे आपको इस पे चलना है। तो ये वास्तव में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि आप लोग जो है मल्टीपल जो है आप लोग का एंट्री होती है एग्जिट, जैसे कि आप लोग का ये पहले था 10+2 का, अब हम लोग जो है इस पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। जैसे कि 10 में नहीं होगा जो है आप लोग का कोई बोर्ड पेपर, आप लोग को मैं आप लोग को ऑलरेडी बता दूं कि क्लास 10 में आप लोग का कोई बोर्ड पेपर नहीं होगा। अब ये जान लीजिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लास 10 का आप लोग का जो अब सेमेस्टर वाइज आप लोग की एग्ज़ाम होंगे, जैसे हम लोग का होता है जैसे BA BSc BCOM वालों का होता है, 6 महीने पे आप लोग को हर एक जो आप लोग को 4 बार आप लोग को पेपर देना पड़ेगा। पहले रहता था कि इंटर तक कर लिए, 2 ही बार दे करके आप लोग निकल लिए, आप लोग को इंटर में आप लोग का जो है होगा मेरे भाई, इंटर में आप लोग का वो पेपर होगा, आप लोग का बोर्ड का पेपर होगा, लेकिन हाई स्कूल में कोई बोर्ड का पेपर नहीं होगा। बहुत अच्छा पॉलिसी है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा है कि सेमेस्टर वाइज होगा, तो लोग अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग की जो एग्ज़ाम आता था तो 1 महीने पहले कोई बम्बई है, कोई दिल्ली है, कोई कानपुर है, कोई लखनऊ है, कहीं है कहीं है, चीज़ें तो पढ़ते नहीं थे, 1 साल में आप लोग को आता था, लास्ट में वही 1 महीना पढ़ते थे, तो बच्चे जा करके कहीं कहीं ना कहीं वो चीज़ें गलत कर देते। लेकिन आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम होगा तो जल्द जल्द आपका एग्जाम आएगा, तो आप लोग को घबराहट, आप लोग को हड़बड़ाहट होगी, आप लोग पढ़ेंगे सही से पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉलिसी है मेरे भाई, बहुत अच्छा मुझे लगा कि वास्तव में लोगों के प्रति जो है ये पढ़ाई के जो है रिलेटिव बहुत अच्छा जानकारी भी जो है गवर्नमेंट द्वारा निकाला जा रहा है। यह है मेरे भाई, तो स्टार्ट जो है 3 ईयर्स, आप लोग का 3 साल का जो है आप लोग का ये चीज़ है, आप लोग का स्टार्ट जैसे 3 ईयर्स है, जैसे फर्स्ट नंबर आप लोग का है क्या है, तो फर्स्ट नंबर मेरे भाई देख लीजिए आप लोग क्या है, तो फंडामेंटल आप लोग का जो फाउंडेशन जो है 5 ईयर्स आप लोग का होगा, ये प्लानिंग आप लोग का, नो एग्जाम होगा। जैसे आप लोग को 3 साल, पहले होता था कि हम लोग जो है 6 साल के हो जाते थे तब आप लोग जो है कॉलेज में एडमिशन होते, अरे कोई स्कूल में एडमिशन होता था, लेकिन अब आप लोग को 3 ईयर्स के हो गए, आप लोग को स्कूल में एडमिशन करवाना ही मतलब जाना ही अनिवार्य हो गया है। अब 3 साल का बच्चा है आप लोग के जो है स्कूल में जाएगा तो अच्छा लगता है। तो पहले क्या होता था कि लोग पेपर होने के कारण जो बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते थे, यार कि मेरा पेपर होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो बच्चे छोटे से ही रहे तो पेपर स्टार्ट हो गया, और स्कूल में कितने बजे बुक वुक दे सब चीज़ें दे देते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं उतना टाइम आप लोग के जो है बच्चे होते हैं मेरे भाई, सॉरी दोस्तों विदाउट कुछ खाए पिए बोल रहा हूँ तो थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। जैसा कि मेरे भाई आप लोग को मैं कहाँ से बता रहा हूँ तो रहा था, तो उसके लिए सॉरी आप लोग को 1 मिनट 10 सेकंड के लिए डिस्टर्ब किया। जैसा कि आप लोग का जो आप लोग का 3 ईयर्स आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग का ये चीज़ें हैं आप लोग को यहाँ से स्टार्ट, अब ये चीज़ें नहीं रह जाएगी, आप लोग को 6 साल से नहीं स्कूल जाना पड़ेगा। और लोग और इसमें दोस्तों 3 ईयर्स वाले में आप लोग का पहला पॉइंट, इसे हम लोग कहते हैं फाउंडेशन, आप लोग का 5 ईयर्स आप लोग का फाउंडेशन आप लोग का होगा, जैसे आप लोग का 5 साल का जो है फाउंडेशन होगा। अब 5 जो है आप लोग का मतलब क्या, जैसे 5 साल में आप लोग जो है 1-2 तक पहुँचेंगे, नर्सरी LKG जैसे UKG ये चीज़ें होंगा, तो जैसे 3 ईयर्स आप लोग का प्ले बॉय, आप लोग का नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोग जाके खेलिए मौज मस्ती करिए, क्लास 2 तक कोई एग्ज़ाम होगा ही नहीं मेरे भाई, इसमें जो है जो पॉलिसी लाई गई है, तो बच्चों के लिए कितनी खुशखबरी की बात है। ये सबके लिए जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग के बच्चे आप लोग के पढ़ते हैं या छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे, सबके लिए यह पूरे मेरे भाई ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप लोग को नो एग्ज़ाम, नो एंट्री, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम मेरे भाई, आप लोग मौज करिए, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि 2 तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा,
वो लोग जाए स्कूल पे खेलें, जैसे प्ले बॉय में होता है तो प्ले बॉय की ही तरह खेले खाएं, अपना घूमे घामे जो भी चीज़ें सीखे। आप लोग को फर्स्ट तक तो कुछ नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब चीज़ें बताया जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं, खेलना वोलना तो माइंड जो कि खेलने में मेंटेनेंस प्रॉब्लम जो है दूर होती, बच्चों की जो है ग्रोथ करती है। जैसे आप लोग अभी नर्सरी LKG में एडमिशन करवा दो, मैं खुद स्कूल चलाया हूँ तो उसके बारे में जानता हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं कहीं ना कहीं 10-12 बुक, कई स्कूल वाले देखे जो 12-12, 10-10, 8-8 बुक लगा देते हैं। बच्चे यार क्या पढ़ेंगे यार, उन लोग के खेलने खाने की उम्र है, 3 साल से आप लोग स्कूल भेज दे रहे हैं तो क्या वो पढ़ेगा यार, बच्चा क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है, उसको खेलने खाने की उम्र है। तो उससे पहले मेंटेनेंस जो है मजबूती बनाइए, आप लोग माइंड से उसे मजबूत बनाइए, तब आगे चल करके उसको उसको जो है कुछ जो है आप लोग जो है पढ़ाएंगे तो उसके माइंड में जरूर घुस जाएगा। जैसे हम लोग जो है पूरी तरह मजबूत हो जाते हैं तो हमारे जो है ऊपर कोई भी प्रभाव पड़े, कोई भी इफेक्ट आए या कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग उसको झेल लेते हैं। या हम लोग जैसे आप लोग को पूरी तरह आप लोग को पूरी हर एक चीज़ें याद हो गई, कुछ चीज़ें हो गया, तो आप लोग को कोई भी एग्जाम देना पड़े तो कोई टेंशन नहीं रहता इस सब्जेक्ट में कि हमें मैथ आता है इंग्लिश आती है कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछे तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन आप लोग को पूरी तरह आप लोग को तैयारी करते हैं, तैयारी किस लिए करते हैं मेरे भाई, तैयारी एक ऐसे ही होता है कि आप लोग तैयारी करते हैं तो उसको पूरी तरह जान लेते हैं, उसको जो है पूरी तरह अपने अंदर कंठस्थ कर लेते हैं, उसको जो है अध्ययन को पूरी तरह अपने अंदर जो है एकदम जानकारी के ऊपर प्राप्त कर लेते हैं कि मैथ इंग्लिश सारी चीज़ें आप लोग को सही हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें हैं कि आप लोग को नो एग्जाम नो चीज़ें, तो फाउंडेशन इसे हम लोग को फाउंडेशन आप लोग का जो है ये कोर्स होगा। अब दूसरा पॉइंट आप लोग का इसमें मेरे भाई, आप लोग का फर्स्ट पॉइंट पे आप लोग जानकारी मिल चुकी है, तो दूसरा पॉइंट आप लोग का प्रिपरेशन सिस्टम इसे कहता है कहा जाता है। तो प्रिपरेशन सिस्टम में आप लोग को क्या होगा, 3 ईयर मतलब क्लास 3 से लेकर के 5 तक, उसमें 2 तक था, अब आप लोग दूसरा पॉइंट 3 से लेकर के 5 तक क्लास मेरे भाई, 3 से लेकर के 5 तक आप लोग का क्या होगा, तो 3 से 5 तक का आप लोग एक्टिविटी आप लोग का प्लस स्टडी, और एक्टिविटी पे आप लोग को काम करवाया जाएगा, एक्टिविटी प्लस आप लोग का स्टडी मेरे भाई, स्टडी पे आप लोग को काम करवाया जाएगा। तो एक्टिविटी क्या होती है मेरे भाई, तो एक्टिविटी आप लोग की जैसे आप लोग की मानसिकता प्रॉब्लम या क्या बोल सकते क्या नहीं बोल सकते, बोलने का तरीका सिखाया जाएगा, और आप लोग को वहाँ ओरल चीज़ें करवाई जाएगी, और आप लोग के एक्टिविटी को अंदाजा जाएगी आप लोग कहाँ से हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, आप लोग को हर एक चीज़ें के बारे में बताया जाएगा, और प्लस स्टडी भी कराई जाएगी, ये चीज़ें कहा गया है आप लोग को जो है जैसे आप लोग। और मेरे भाई इसमें है कि लैंग्वेज जो है आप लोग को मोशन करवाया जाएगा, और नेचुरल लैंग्वेज जैसे आप लोग का लैंग्वेज भी सिखाया जाएगा इसमें आप लोग को, जैसे आप लोग को लैंग्वेज मतलब क्या चीज़ें हैं, कि लैंग्वेज का मतलब ये कि आप लोग को कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है क्या चीज़ें करना है क्या चीज़ें, सब इसके बारे में। लेकिन 2 तक आप लोग को कुछ नहीं सिखाया जाएगा, बस मौज करो मस्ती करो घूमो खाओ खेलो खाओ, बच्चों के लिए मौज हो गया मेरे भाई, बच्चे ऐसे चाहते भी हैं कि जाएँ स्कूल में तो खाली मौज और मस्ती करें। लेकिन अब इतना समय जो चल रहा है इस समय तो बहुत बेकार सिस्टम एजुकेशन है, सही है, लेकिन यार 8-8, 10-10 किताब लगा देते हैं, मेरे ये क्लास फर्स्ट क्लास का बच्चा क्या 10 बुक में क्या पढ़ेगा यार, कुछ नहीं पढ़ पाएगा। प्राइवेट स्कूल्स हैं कि कई लोग जो है जा करके लगा देते हैं ये चीज़ें, तो नहीं पढ़ पाते यार, मैं कई लोगों को मैं बहुत देखा हूँ मेरे भाई, तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही पढ़ाई होना ही चाहिए यार, जो एक सिक्वेंस वाइज जो है पढ़ाई चलेगी, जैसे एक आप जैसे आप लोग क्लास 10th में ऐसे 9th फिर 10th 11th 12th ऐसे पहुँचते हैं जो इतना अच्छा लगता है, तो ऐसे आप लोग का एक सीक्वेंस बनना चाहिए आप लोग का, जैसे आप लोग का इतने टाइम तक आपको खेलना घूमना ये चीज़ करना है, इसके बाद आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना फिर थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके आप लोग ऊपर जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं मेरे माइंड पर मतलब बर्डन नहीं पहुंचती है और हमें टेंशन नहीं होता, नहीं तो ऑलरेडी आप लोग को टेंशन हो जाएगा माइंड पर इतना ज़्यादा बर्डन पहुँच जाता है और टेंशन लेने की, तो क्या पढ़ाई होगा कुछ नहीं होगा। जैसे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं, एग्ज़ाम जब आता है तो पता चले 1 महीने के बाद जो है पढ़ाई 10-15 दिन के बाद स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं क्या होता है, तब टेंशन लेते इतना सारा किताब इतना सब चीज़ें रख लेते हैं, पता चले कुछ नहीं आता है गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि पढ़ना पड़ता है यार, ये कि पढ़ाई से बढ़ के ज़िंदगी में कुछ नहीं, ये चीज़ें हो गई आप लोग को। अब तीसरा आप लोग का पॉइंट, आप लोग का तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट हम लोग जो है जैसे मिडिल कहते हैं, तीसरा पॉइंट हम लोग जैसे मिडिल कहते हैं, या MIDD यदि मिडिल आप लोग का कहते हैं मिडिल स्टडी है, स्टडी मिडिल स्टडी कहते हैं हम लोग जैसे, ये 3 ईयर्स आप लोग का है इंडियन लैंग्वेज इसमें, और जैसे इसमें क्लास 6 से लेकर के आप लोग का 6 से 2 आप लोग का 8 आप लोग का 6 से 2 आप लोग का 8 होगा मेरे भाई, 6 से लेकर के 8 तक इसमें आप लोग जाएंगे, वहाँ 5 तक हम लोग जो है दूसरा पॉइंट तक पढ़ चुके हैं। अब 6 से 8 तक आप लोग का क्या होगा, तो इसमें आप लोग का जो है कंपटीशन आप लोग का कोड होगा, और आप लोग का जो वोकेशन आप लोग का टेक होगा, इसके बाद आप लोग को मतलब वोकेशन टेक आप लोग का अच्छी चीज़ें सिखाएंगे इसमें आप लोग को, फिर इसके बाद आप लोग को मैथ
दूसरा पॉइंट साइंस, आप लोग का तीसरा पॉइंट आप लोग का इंग्लिश। देखिए लिख नहीं रहा, लिखाई नहीं रहा सर सही से, कोई बात नहीं आप लोग समझ जाइएगा बोल रहे हैं। तो इंग्लिश हो गया, ये चीज़ें आप लोग को पढ़ाई जाएंगे, प्लस आप लोग का आर्ट हुआ चौथा पॉइंट, आर्ट ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आप लोग को जब सिक्स से लेकर के आठ तक आप लोग को, एट तक आप लोग। और मेरे भाई टेक में आप लोग का जो है वोकेशनल, आप लोग का टेक क्या है, तो वोकेशनल टेक में आप लोग को सिलाई, आप लोग को और भी चीज़ें माली बढ़ई ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी। आप लोग अगर कारपेंटर का काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताया जाएगा कि कुर्सी कैसे बनेगा, मेज कैसे बनेगा, अच्छा चीज़ है मेरे भाई। और टेक्निकल चीज़ें आप लोग को सिखाई जाएगी कि लैपटॉप में क्या चीज़ें होना चाहिए, मोबाइल से कैसे क्या प्रॉब्लम होगी क्या नहीं, ऐसी लैपटॉप में ये चीज़ें होना चाहिए, एम एस वर्ड डाटा ये सब कैसे खुलेगा कैसे नहीं खुलेगा। बहुत ही अच्छा जो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, आप लोग का माइंड बहुत विकसित हो जाएगा, आगे चल करके आपको दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ें आप लोग को बताया जाएगी। और मेरे भाई इसमें एक पॉइंट और है कि आप लोग को इसमें एक कोई इंडियन लैंग्वेज आप लोग को सीखने को मिलेगा, जैसे इंडियन लैंग्वेज मतलब संस्कृति हुई, मतलब संस्कृत हुआ, आप लोग अगर लैंग्वेज सीखने की जो है कोशिश आप लोग करें, इसमें सिखाया जाएगा एक ऑफिशियल लैंग्वेज आप लोग को जो है इंडियन लैंग्वेज रहेगा, इंडियन लैंग्वेज जो भी चीज़ आती है तो उसमें आप लोग चाहे जो सीख सकते हैं, ये चीज़ें हैं मेरे भाई। बहुत अच्छा है मेरे भाई। आप लोग को चौथा पॉइंट आप लोग का है, चौथा पॉइंट आप लोग का है जो है सेकेंडरी स्टेज कहते हैं हम लोग, जैसे सेकेंडरी सेकेंडरी स्टेज जिसे हम लोग कहते हैं, सेकेंडरी स्टेज जो है चौथा पॉइंट आप लोग का। इसमें आप लोग का ये फोर ईयर का होगा, ये चलेगा फोर ईयर, अब फोर ईयर ये चलेगा। वो पहले जो है आप लोग का क्या था कि जो तीन साल तक चला था, वो तीन साल जैसे वो था, दो साल वो था, वो तीन साल वो ऐसे था, तो तीन तीन साल करके चला, तो ये फोर साल चलेगा आप लोग का। चार ईयर चलेगा, तो चार ईयर में मतलब इसमें क्या होगा, तो नो स्ट्रीम आप लोग का, कोई स्ट्रीम नहीं होगा आप लोग का, आप लोग का। और दूसरा पॉइंट इसमें रहेगा मल्टीपल जो है सब्जेक्ट होगा आप लोग का, मल्टीपल सब्जेक्ट होगा आप लोग जो है, क्रिटिकल आप लोग का थिंकिंग होगी, मतलब अच्छी थिंकिंग होगा। अब इसमें क्लासेस कितने थे, नौ से लेकर के आप लोग को ट्वेल्व तक, ये चार साल आप लोग का जो है देना पड़ेगा, नाइन से लेकर के ट्वेल्व तक इसमें आप लोग को पढ़ाया जाएगा जो है साइंस मैथ इंग्लिश जो चीज़ें आप लोग को पढ़ाया जाएगा। बाकी आप लोग को एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिखाया जाएगा, जैसे आप लोग ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज आप लोग को सिखाया जाएगा, जैसे इंग्लिश बोलना आप लोग सीख सकते हैं, या चाइनीज़ हुआ, या मतलब चाइनीज नहीं सिखाया जाएगा सॉरी दोस्तों, ये चाइना के द्वारा खाली चाइनीज लैंग्वेज आपको नहीं सिखाया जाएगा कि यूपी गवर्नमेंट जो है चाइना के जो कार्ड जो विवाद वाद थोड़ा कोविड वोविड के चले चल रहा था, तो उसी बीच में आप लोग को एनईपी आया, तो वहाँ बता दिया गया कि ये जो है चाइना लैंग्वेज सिर्फ नहीं सिखाया जाएगा, बाकी सब चीज़ें, क्योंकि ये मेरे हिसाब से गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं हम लोग जो है सीखना चाहिए यार, देश देखिए बवाल हुआ चलो ठीक है, लेकिन जो है चलो ठीक है उस पर जो हम लोग स्टूडेंट पे ऊपर तो नहीं उतारना चाहिए, वो अच्छा लगता है, लेकिन आप गवर्नमेंट की मर्जी, गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं, लेकिन हम लोग जैसे सीख सकेंगे तो अगर सीख लेंगे सही से तो क्या करेंगे हम लोग चाइनीज वहाँ के लोगों को वहाँ की चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, तो वहाँ की चीज़ें कुछ भी आएगी कोई प्रोडक्ट तो हम लोग उसको पढ़ करके जान सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारा देश बहुत ही अच्छा है कि हम लोग जो है हिंदी इंग्लिश सब चीज़ें सीखते हैं, चाइनीज वनीज का यही कारण है कि वो लोग बचपन से ही चाइना चाइना और दूसरा लैंग्वेज नहीं रखते हैं, तो इसलिए वैसे वहाँ की शिक्षा ऐसे कि ऐसे रह जाती है, वो लोग दूसरे भाषा लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं, हम लोग इंग्लिश भी समझ सकते हैं, आप लोग थोड़ा बहुत जो है मराठी वैसे सब चीज़ें हर एक चीज़ समझ सकते हैं। ये एनईपी बहुत ही अच्छा है मेरे भाई, एक ऑफिशियल लैंग्वेज आपको मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज, जैसे आप लोग का कनाडा या जापान जो भी चीज़ें सीखना हो आप लोग को सिखाया जाएगा, कितना अच्छा रहेगा यार मेरे भाई, बहुत मज़ा आएगा। आप लोग को शुरू से ही मजबूत बना दिया जाएगा कि अब आगे चल के आपको नौकरी के लिए भटकना ना पड़े, तो बहुत अच्छा है ये मेरे भाई। मेरे ज़माने में था नहीं था, लेकिन आप लोग को अगर होता तो बहुत अच्छा रहता। अभी मैं भी जो है आप लोग के जान लीजिए 21-22 साल का एज है, लेकिन जो छोटे बच्चे अभी हैं बहुत उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है मेरे भाई आप लोग का चीज़ें हुई। अब इसमें मेरे भाई आप लोग को क्या होगा, इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, आपको ऐसे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। अब जैसे सेमेस्टर क्या है आप लोग कई लोग नहीं समझ, जैसे आप लोग को अब की बार ही BA BSc BCom का जो यूनिवर्सिटी में हो रहा है सेमेस्टर वाइज होगा, फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहा है मेरे भाई, तो ऐसे ही होगा। हम जैसे हम भी दे रहे सेमेस्टर वाइज मतलब 6 महीने में एक पेपर होगा, आपको साल भर में 2 बार पेपर देना पड़ेगा, और अच्छा रहेगा बढ़िया रहेगा, इससे आप लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग कहीं घूमने नहीं जाएंगे, कहीं बाहर चीज़ें नहीं जाएंगे। नहीं बहुत लोग रहते हैं कि घूमते हैं ये चीज़ करते हैं, जब एग्ज़ाम आता है पता चले जब टेंशन सर पे आ गई, सर पे सवार हो गया वही हाल है, तो पढ़ाई चालू कर देते हैं, तो ये गलत बात है। तो मेरे भाई आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग एडमिशन ही नहीं करवाएंगे, ये चीज़ें। तो आप अब मेरे भाई बस इतना ही इसमें था, चार पॉइंट हो गई। और आप लोग का पांचवा पॉइंट आप लोग का है जो आप लोग का ग्रेजुएशन, आप लोग का अब ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं हम लोग, ये चार आप लोग का पॉइंट होगा, पांचवा पॉइंट आप लोग का ग्रेजुएशन लेवल।
ग्रेजुएशन लेवल में आप लोग को क्या करना है, इसमें भी 4 साल आपको देना है, 4 साल। आप लोग का ग्रेजुएशन 4 साल का होगा मेरे भाई, आप लोग 3 साल में निपट जाते थे तो 3 साल का नहीं होगा, लेकिन इसमें भी कुछ बदलाव। आप लोग लास्ट तक सुनिए तो वीडियो को, आप लोग देखिए तो, जैसे आप लोग का ग्रेजुएशन पहले होता था, आप लोग बीए कर लें, बीएससी कर लें, बीकॉम कर लें, आप लोग को 3 साल में निपट जाता था, लेकिन अब 3 साल की कोई अहमियत नहीं है, 3 साल खत्म हो चुका है। अब आप लोग को 4 साल में ग्रेजुएशन दिया जाएगा, लेकिन 3 साल में आप लोग को ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन 1 साल आप लोग को एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसमें आप लोग जो है, आप जो है अप्रेंटिस, जैसे जिसे हम लोग कहते हैं अप्रेंटिस का मतलब, आप लोग रिसर्च के बारे में जानेंगे तो मजबूत होगा आपका जो है स्किल डेवलपमेंट, बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग इसके बारे में बता दें, जैसे कि आप लोग को जो है रीएंट्री, आप लोग जैसे आप जो है आप लोग पहले ईयर में आप लोग को क्या होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आप लोग का जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे ईयर में आप लोग को क्या मिलेगा मेरे भाई, तो दूसरे ईयर में आप लोग को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा आप लोग कर लेंगे। और तीसरे ईयर में आप लोग का ग्रेजुएशन का आप लोग का जो है सर्टिफिकेट जो मिलेगा, डिग्री मिलेगी आपको, जैसे हम लोग डिग्री कहते हैं, डिग्री कहते हैं। और आप लोग को चौथे ईयर में, आप लोग का फोर ईयर में आप लोग को रिसर्च होगा मेरे भाई, रिसर्च की जो है डिग्री मिलेगी आपको, रिसर्च बहुत अच्छा है मेरे भाई। जैसे अप्रेंटिस आप लोग करने जाते हैं, बी ए बी एस सी बी कॉम करने के बाद आप लोग अप्रेंटिस करने जाते हैं, आई टी आई करने के बाद अप्रेंटिस करने जाते हैं, डिप्लोमा करने के बाद, तो ऐसे ये इसी में करवा दिया जाएगा, तभी आपको फुल डिग्री मानी जाएगी। बहुत अच्छा है मेरे भाई। इससे अब और मेरे भाई कई लोग का क्वेश्चन होगा कि जॉब के लिए क्या कर सकते हैं, तो जॉब के लिए आप लोग को 3 ईयर्स में आप लोग को अगर डिग्री मिल जाएगी तो जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यही डिग्री पे जैसे आप लोग कहते हैं ना कि कई एग्जाम है आप लोग का, यू पी एस सी हुआ और कई एग्जाम है आप लोग का ग्रेजुएशन मांगता है, तो आप लोग जो है ग्रेजुएशन आप लोग का डिग्री यहाँ से मिल जाएगा, डिग्री मिल गई 3 ईयर्स पे आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। 3 ही साल का रहेगा, लेकिन 1 साल आप लोग को एक्स्ट्रा इसलिए दिया जाता है कि आप लोग रिसर्च करने के बारे में जाने, कुछ चीज़ें क्या देश में हो रहे हैं, आगे चल करके आप लोग पी एच डी कर रहे हैं, आप लोग कोई कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग को दिक्कतें ना होगी मेरे भाई भविष्य के लिए। एक साइंटिस्ट के तरीके से आप लोग को रिसर्च होगा, जो भी सब्जेक्ट आप किए रहेंगे उसी सब्जेक्ट पर आपका रिसर्च होगा। जैसे आप लोग और मेरे भाई ये चीज़ें हैं कि आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे हम सॉरी दोस्तों थोड़ा उसमें बताना भूल गए थे कि आप लोग का जो है जैसे हाई स्कूल इंटर में हुआ, आप लोग ये एक सब्जेक्ट से आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं पहले था कि आर्ट साइंस कॉमर्स साइंस आप लोग इंटर हाई स्कूल में जाते थे तो आर्ट में पढ़ना है कॉमर्स में पढ़ना है, ये हाई स्कूल और इंटर का जो है 4 साल का वो है आप लोग का जो है 9th 10th 11th 12th के लिए, कि आप लोग को क्या 3 चीज़ें होती थी आर्ट में, आप लोग को इंटर में जाना है आर्ट साइड हो गया, आप लोग को आर्ट लेना है, जो होम साइंस वोम ये चीज़ें होती हैं, आप लोग का साइंस साइड होता था, एक आप लोग का बायो होता था, बायो में साइंस में आप लोग ये 2 चीज़ें, लेकिन आप लोग जो है कोई नहीं, आप लोग अगर ज्योग्राफी से आप लोग पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी से पढ़िए, हिस्ट्री से पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री, वहाँ बहुत अच्छा हो गया मेरे भाई, क्योंकि इससे आप लोग को आप लोग का माइंड डेवलप करेगा, आप लोग को इंटरेस्ट जागेगा कि हम लोग को किस चीज़ पे इंटरेस्ट है, किस चीज़ पे है इंटरेस्ट, तो अच्छा लगेगा मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं आप लोग कोई भी खाना खाते कोई भी चीज़ खाते तो इंटरेस्ट एक होता है तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है मेरे भाई, स्वाद भी अच्छा आता है, ये चीज़ें होगी तो वहाँ ऐसे किया जाएगा आपका। एनईपी में बहुत बड़े चेंजेस हैं और इसमें हम लोग चलिए अब हम लोग ग्रेजुएशन वाला बता ही रहे थे तो बता ही दिए थे जहाँ तक है, ये रिसर्च वर्सर सब चीज़ें जॉब के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, तो जानकारी कि आप लोग जॉब के लिए तो आप लोग को तब जा करके। और मेरे भाई इसमें आप लोग को एक चेंजेस ये है कि आप लोग जैसे फर्स्ट ईयर के आप लोग कर ले सर्टिफिकेट आपको मिल जाए तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, घर पे प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार पैसे वैसे प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर बाद में करते हैं तो आप लोग को शुरू से करना पड़ता है, तो इसमें शुरू से नहीं मेरे भाई, ये बहुत बड़ी चेंजेस है, बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग जो है जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर कर लिए, सेकंड ईयर कर लिए, थर्ड ईयर कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 2 साल 10 साल 20 साल बाद आकर फिर जो है वहीं से करेंगे, शुरुआत करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर आप लोग को जो है सर्टिफिकेट मिल गया तो सर्टिफिकेट आप लोग का फर्स्ट ईयर दोबारा नहीं करना, आप लोग को 10 साल बाद आकर के करिए तो फिर दूसरे ईयर में ही आप लोग को डिप्लोमा ही मिलेगा सर्टिफिकेट। बहुत अच्छा ये न्यूज़ है मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और मेरे भाई आप लोग को पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप लोग को बता दें, जैसे आप लोग को पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग का 6वां पॉइंट आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग का है 1/2 आप लोग का ईयर होगा, जैसे आप लोग का एमए एमकॉम आप लोग का एमएससी एलएलबी ये सब चीज़ें मतलब बाद में पढ़ना होती है मेरे, पढ़ना हो तो वहीं से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं, अगर बाद में भी पढ़ना हो तो वहीं से शुरुआत कर सकते हैं, इसमें भी वही चीज़ें सेम चीज़ें वही हैं, लेकिन ख़त्म कर दिया गया। जैसे एम फिल होता था और मेरे भाई पी एच डी आप लोग के लिए बता दें तो एम फिल एक रहता था, एम फिल जैसे हम लोग कहते थे एम फिल को ख़त्म कर दिया गया, एम फिल जो पूरी तरह जो है इसे रिजेक्ट करें, अब एम फिल वम्फिल नहीं होगा। आप लोग को पी एच डी आप लोग का 4 साल का होगा पी एच डी, लेकिन आप लोग का 4 साल का होगा पी एच डी, शायद 4 साल का था ही तो 4 साल का होगा, ये चीज़ें हैं। और मेरे भाई जैसे आप लोग को मैं ग्रेजुएशन में बताया ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट के भी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग है, बस आप लोग को कुछ नहीं बताना है। तो बस मेरे भाई एनईपी यही थी आप लोग को,
कितना अच्छा आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा मेरी मेहनत तो आप लोग लाइक करिए मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मेरे भाई कमेंट में आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, टाटा बाय, टेक केयर, बाय बाय। तो आप लोग का एडमिशन सही से हो, अच्छे से हो, आप लोग NEP के थ्रू करवाइए, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। आप लोग को रिसर्च और इंट्रेंस जाएगा कि आप लोग हाई स्कूल में इंटर में बताइए कितने अच्छे से आप लोग सब्जेक्ट वाइज लेकर के पढ़ सकते हैं, कितना मजा आएगा यार, क्योंकि मेरा भूगोल है ये चीज़ है, तो बहुत आगे चल के दिक्कत नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। तो थैंक यू टाटा, टेक केयर, बाय बाय। तो टाटा, मुस्कुराते रहो यार, ज़िंदगी में कुछ है नहीं, और बेस्ट ऑफ लक इसी वक्त से आप लोग के नेक्स्ट एग्जाम के लिए, अगर आप लोग का कोई एग्जाम होगा या आप लोग जो है कहीं आप लोग इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, आप लोग लेना चाहते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई दिक्कत होगा मुझे संपर्क जरूर किया। थैंक यू राज, कब